नमस्कार दोस्तों, कहते हैं कि देवों के देव महादेव जिस पर भी प्रसन्न हो जाते हैं उसके लिए दुनिया की कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में खास तौर से महिलाओं के लिए सोमवार का व्रत करने की परंपरा है। हमारे पूर्वजों का कहना है कि सोमवार का व्रत करने से ना सिर्फ लड़कियों की समय पर विवाह हो जाती है बल्कि और भी कई फायदे हैं। तो चलिए जानते हैं, सोमवार की व्रत को महिलाएं करती है तो ऐसे कौन से फायदे होते हैं। नंबर एक, दोस्तों आप लोगों से सोमवार के व्रत के बारे में पूछे जाए तो ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि यह व्रत अविवाहित लड़कियां अच्छा पति पाने के लिए करती है। लड़कियां इस व्रत को पूरे भक्ति भाव से करती है, जबकि सच्चाई तो यह है कि महिलाएं सुख संपत्ति पाने के लिए भगवान शिव की पूजा आराधना करती है। भगवान शिव की पूजा करने के पीछे उनका अपना ही एक स्वार्थ होता है, लेकिन इसके फायदे भी बहुत से मिलते हैं। जैसे जो भी महिलाएं सोमवार का व्रत करती है उन्हें अच्छा पति अवश्य मिलता है। नंबर दो, दोस्तों भगवान शिव शंकर के बारे में कहा जाता है कि वह बहुत ही आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। इसके लिए किसी विशेष विधि विधान की जरूरत नहीं होती है। इसे आप किसी भी समय आसानी से पूजा कर सकते हैं। दोस्तों नंबर तीन, सोमवार के व्रत से दाम्पत्य जीवन सुखी हो जाता है। दोस्तों विवाहित महिलाएं सोमवार का व्रत करती है ताकि उनका दाम्पत्य जीवन सुखी रहे और घर में शांति रहे। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि विवाहित महिलाओं द्वारा इस व्रत को करने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। नंबर चार, उम्र लंबी हो जाती है इस व्रत को करने से। दोस्तों जिस घर की महिलाएं सोमवार का व्रत करती है उस घर के लोगों की उम्र लंबी हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत से इंसान को ना सिर्फ निरोगी काया मिलती है बल्कि अकाल मृत्यु से भी बचाने की शक्ति मिल जाती है। नंबर पाँच, शनि के गुस्से से बचाते हैं भोलेनाथ। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव का व्रत करने से शनि के प्रकोप से मुक्ति मिल जाती है। भगवान शिव इंसान को शनि के दुष्प्रभाव से बचाते हैं। दोस्तों सोमवार के व्रत को करने के ये पांच ऐसे फायदे हैं जो आपके जीवन को सुरक्षित रखता है और आपको सुख समृद्धि के साथ और अविवाहित लड़कियों के लिए अच्छा वर की प्राप्ति भी होती है और वर के साथ साथ सुख समृद्धि और शांति भी मिल जाती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें और नीचे जय भोले शंकर अवश्य लिखें।